अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग। ये सुबह तकरीबन 4:20 का टाइम है। मैं और मेरे हस्बैंड वेट कर रहे हैं फैसल मूवर्स के टर्मिनल पे अपनी हाई रूफ का, जो जिसका टाइम है ऑलमोस्ट 4:40, बट हम बहुत टाइमली वहाँ पहुँच गए थे एज़ यूजल। ये मेरा वन डे ट्रिप था, शॉर्ट सा एक हमें अर्जेंट काम के लिए जाना था, जिसकी वजह से हम जल्दी वापस आ गए थे क्योंकि हमारा काम जो है वो टाइमली हो गया था। यहाँ पर जो है वो हमारा सफ़र स्टार्ट हो गया है। सी पैक के थ्रू हम जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। सुबह के टाइम मौसम बहुत अच्छा था, अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया एक दूसरे के साथ, गपशप की। और मैं एक मिनी ब्लॉग में जो आपके साथ टिप शेयर करना चाहती हूँ एक हेल्दी और अच्छी लाइफस्टाइल की, वो ये कि हमेशा जो है वो नेगेटिव लोगों को और नेगेटिव वाइब्स को अपनी ज़िंदगी में इतनी जगह ना दें। खुश रहें, छोटे छोटे मोमेंट्स को अपने लव्ड वंस के साथ शेयर करें, और कभी भी अपने जो रिलेशन्स हैं उनको किसी और थर्ड पर्सन की वजह से स्पॉइल ना करें। तो ज़िंदगी बहुत छोटी है, इसे बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव और फ्रूटफुल गुजारें। अब आखिरत की भी तैयारी करें और दुनियावी ज़िंदगी को भी अच्छा सा निभाएं। इसके बाद जो है हम मुल्तान सिटी में एंटर हो गए हैं। यहाँ पर ये DHA फेस का बोर्ड आपको नज़र आ रहा होगा। आपको पता ही है मुल्तान जो है वो एक बहुत वन ऑफ द बिगेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान है एंड हाईली क्राउडेड एज वेल। तो हाँ, जब यहाँ पे हम पहुँचे हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी थी, वेदर में एक ड्रास्टिक चेंज जो है वो हमें फ़ील हो रहा था। यहाँ पे हमने अपना नाश्ता इंजॉय किया, पराठा और वाइट चने, चाय भी पी थी जो कि बहुत टेस्टी थी, बट वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी। इसके नाश्ता करने के बाद जो है वो हम लोग अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं थ्रू मेट्रो। यहाँ पे भी मेट्रो की जो सर्विस है वो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल है और बहुत ज़्यादा अच्छी है, लोग इसे बहुत ज़्यादा फैजियाब हो रहे हैं। बट शायद इसका एक नेगेटिव इम्पेक्ट जो मुझे फ़ील हुआ वो ये कि इससे जो रिक्शा ड्राइवर्स हैं या दूसरी जो ट्रांसपोर्ट यूज़ होती है उस पर बहुत ज़्यादा अफेक्ट आया है। बट लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा है क्योंकि 20 रुपीज़ में आप अराउंड द सिटी मूव कर सकते हैं, जो कि बहुत इकोनॉमिकल है। यहाँ पे जो है हम अपना काम ख़त्म करने के बाद वापसी के लिए रवाना दवा हैं। कल बहुत ज़्यादा रश था क्योंकि शायद वेकेशंस हैं और सीट्स मिलना बहुत मुश्किल हो रही थी, फिर बहुत ज़्यादा सफोकेशन थी। और हब्स के बाद मौसम कुछ कदरे बेहतर हुआ, बादल आए और हल्की हल्की बारिश भी हुई। ये जो मैंने रिकॉर्ड किया आप सबके लिए नेचुरल सीन, फिर हम एक रेस्ट एरिया में रुके। देखें, अल्लाह ताला की वहदानियत का हम जितना शुक्र अदा करें वो कम है। अल्लाह ताला ने नेचर बहुत ही खूबसूरत बनाई है। ये कुछ नेचुरल सीन्स हैं जो मैंने आप सबके लिए रिकॉर्ड किए कि मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी। हम इनके लिए अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें वो कम है। इसी तरह छोटे छोटे मोमेंट्स को अपने लव्ड वंस के साथ इंजॉय करें, लाइफ में से नेगेटिविटी जो है वो रिमूव कर दें और आप हमेशा खुश रहेंगे इंशाल्लाह। और दूसरों को दुआओं में याद रखें, मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखें। यहाँ पे जो ये हमारा वापसी का सफ़र बहुत अच्छा गुजरा है, मौसम भी कुछ बेहतर हो गया, टाइम स्पेंड किया। दोपहर का खाना जो है वो हमने घर आके खाया था। इसके बाद जी हम इकबालाबाद इंटरचेंज से यहाँ पे जो रहीमियर खान सिटी में जो है वो एंटर हो गए हैं। सी पैक एंड हो चुका है। यहाँ पे भी देखें कुदरत के हसीन नज़ारे। और यहाँ पे जी मैंने अपने हस्बैंड के साथ एक छोटी सी मेमोरी रिकॉर्ड की है, आप भी इसको वॉच करें। स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़। लड़ा।